जैसे जैसे रूसी सेना यूक्रेन पर आक्रमण तेज कर रही है, वैसे वैसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ती से दिख रही है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस ने परमाणु क्षमता वाली अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत सेना को सौंप दी है और उसे वॉर ड्यूटी में भी लगा दिया गया है। तब से पश्चिमी देश खासे सख्ते में आ गए हैं। यही वजह है कि इन देशों की हड़बड़ाहट अब उनके बयानों में भी साफ झलक रही है। अमेरिकी सामरिक कमान के प्रमुख वायुसेना जनरल ने रूस पर बड़ा दावा किया है। एंथनी कॉटन ने कहा कि रूस अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। मॉस्को के पास पहले से ही अमेरिका से ज्यादा परमाणु शस्त्रागार है। रूस सक्रिय रूप से इसका आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन के साथ मिलकर रूस कई क्षेत्रों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ तेजी से अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। इन परिवर्तनों की गति बढ़ रही है और अब कुछ साल पहले देखी गई तुलना में बहुत तेज है। जनरल एंथनी कॉटन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हालिया बयान की ओर भी इशारा किया, जिसमें पुतिन ने कहा था कि रूसी सामरिक परमाणु बलों को लगभग पूरी तरह से मॉडर्न कर दिया गया है, साथ ही नौसेना को लगभग 100% उन्नत किया गया है। जनरल ने खास तौर से रूस की अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत और नई पनडुब्बियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि रूस के पास किसी भी और देश के मुकाबले सबसे बड़े और सबसे विविध परमाणु शस्त्रागार है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मॉस्को क्लासिक न्यूक्लियर ट्रायड से परे अपने परमाणु विकल्पों का विस्तार और आधुनिकीकरण भी कर रहा है। आसान शब्दों में कहें तो यदि कोई देश जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम होता है तो उसे न्यूक्लियर ट्रायड देश कहा जाता है। कॉटन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी रणनीतिक ताकतें वर्तमान में ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिनका अमेरिका ने कभी सामना नहीं किया है। रूस, चीन मिलकर और साथ में नॉर्थ कोरिया और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं जटिलताओं की नई परतें जोड़ती है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि हम अपने न्यूक्लियर ट्रायड के आधुनिकीकरण को स्पीड से जारी रखें। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि यूक्रेन पर जीत हासिल करने की राह पर चल रहे रूस के विजय रथ को रोकने के लिए पश्चिमी देश किस रणनीति के तहत कदम उठाते हैं।